हेलो गाइस, कैसे हैं जी आप सब। तो एक बार वगैरह मोबाइल में शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ बिफोर स्टार्टिंग, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। नमस्ते राजेश जी। गाइस प्लीज़ कंफर्म कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या नहीं, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। ओके 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 ओके, फाइनली इट हैज़ बीन स्टार्टेड। मेरे पास कंफर्मेशन जो है आ चुका है। देखिए, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आप लोगों के साथ कवर करने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो गाइज, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, डिफरेंशिएशन जो है आजकल एक ऐसा टॉपिक बन गया है कि इसके बिना आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को इमेजिन नहीं कर सकते, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है। इतना इम्पॉर्टेंट जो है क्या है, आप लोगों का डिफरेंशिएशन जो है, डेरिवेटिव जो है आप लगा लीजिए, ये आप लोगों का हो चुका है। हेलो सुमन, हेलो आदित्य, हेलो निधि शर्मा, आ जाइए सभी, अपना अपना जो है ज्वाइनिंग आप लोग ले लीजिए। ओके, अभी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, सो गाइस, देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले आप लोगों को पता है, वेन एवर इट इज़ अबाउट, जब भी बात आती है मैथमेटिक्स की, है ना, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है। हेलो प्रकाश, यहाँ पे आप लोगों को कवर करने पड़ते हैं पहले कुछ रूल्स जो है आप लोगों को यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे, एंड देन वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पीडीएफ आ गया। हाँ जी, तो फिर हम लोग अपना आगे जो है क्या है इसके ऊपर हम लोग अपना बढ़ पाते हैं। ओके, सो गाइस, लेट्स गेट सी। ये रही हमारी जो फाइल है, यहाँ पे ओपन हो गई है डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। ओके, सो गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है मैं यहाँ पे दे दूँ। दिस इज़ अगेन मी, तान्या भाटिया। आई एम द वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी एंड ऑल्सो आई एम द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन फ्रंट ऑफ यू। ओके गाइस, अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है, और तान्या इकोन के नाम से आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसे भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसको भी आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब जो है आप यहाँ पे कर लीजिएगा। गुड इवनिंग अर्पिता, हेलो राशि गुप्ता जी, सभी आ जाइए, अपनी अपनी ज्वाइनिंग जो है क्या है यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। ओके, सो गाइस, लेट्स गेट सी। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके कुछ रूल्स जो है क्या है मैं यहाँ पे शो करती हूँ। ओके, सो गाइस, द फर्स्ट रूल विच वी हैव, देखिए सबसे पहला रूल जो हमारे पास यहाँ पे है, कौन सा रूल है, अच्छा एक मिनट, हाँ जी, सबसे पहला रूल जो आप लोगों को यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ नोन एज द, इसको आप लोग डिफ्रेंसीशन के रूल में, आप इसको कॉन्स्टेंट रूल के नाम से जो है आप इसको यहाँ पे क्या करते हैं, आप इसको जानते हैं। ओके, सो गाइज, वट इज़ दिस कॉन्स्टेंट। देखिए, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में किसी कॉन्स्टेंट के बारे में जो है क्या है बोला जाता है कि आपको क्या करना है, कॉन्स्टेंट का आपको डिफ्रेंसीशन करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, दिस इज़ आवर रूल नंबर सेकेंड। तो किसी भी, अगर आपको कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, भले ही वो जिस मर्जी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो वाई के रिस्पेक्ट में हो, तो वहाँ पे आपने आंखें बंद करके जो इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, कितना कर देना है, ज़ीरो कर देना है। देखिए, चाहे तो मेरे पास यहाँ पे ये नंबर जो है, देखिए, ऐसा बहुत छोटा सा नंबर हो, वाई इज इक्वल टू थ्री हो, या ये मेरे पास कोई बहुत बड़ा नंबर क्यों ही ना हो, जब भी इसके डिफरेंशिएशन की बात आएगी, डेरिवेटिव की बात आएगी, डेरिवेटिव इसका कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जो है, डेरिवेटिव जो है इसका यहाँ पे ज़ीरो जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। राइट, चलिए उसके बाद अगला रूल देखिए। अगला रूल हमारा यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट रूल इज़ अबाउट दी चैन रूल। इसको आप लोग डिफरेंशिएशन की दुनिया में आप इसको चैन रूल भी कहते हैं, आप इसको पावर रूल भी कहते हैं। पावर रूल क्या होता है यार, मान लो जैसे आपको किसी की पावर दे रखी है, मैंने आपको यहाँ पे x की पावर दी और मैं कहती हूँ x के रिस्पेक्ट में ही मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, तो आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग पावर को आगे ले आते हैं, यानी कि n को आपने आगे ले आना है। ठीक है, उसके बाद x की पावर आप लोग एक कम कर देते हैं। x की पावर यहाँ पे कम करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x रेज टू द पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद x का डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यानी कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे वन हो जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए, मान लीजिए ऐसा दे रखा है आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर। ठीक है, तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, दिस इज नॉट द सिंपल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आप अपना अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप पावर रूल जो है, चैन रूल जो आप अप्लाई करेंगे। हेलो रवि कुमारी,
तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मुझे एन को आगे लेके आना है। जैसे ही मैं एन को आगे लेके आऊँगी, 4 आगे आ गया, और एक्स की पावर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक्स की पावर को मैं 1 कम कर देती हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, दिस इज़ 4x raised to the power 3 जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आप इसको किससे करेंगे, जो आप लोगों का एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो वैसे ही 1 होगा, सो दिस वुड बी इक्वल टू 4x³ के जो है आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है इक्वल नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोग एक चीज़ और देखिए, ये वाला तो हमारा हो गया। सो गाइज, अच्छा एक आपका रूल होता है, क्या रूल होता है वो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाती हूँ। कॉन्स्टेंट रूल आप लोगों ने कर लिया है, पावर रूल भी कर लिया, चैन रूल भी कर लिया, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल मैं आपको एडवांस डिफ्रेंसीशन के अंदर सिखाऊंगी, तो वो आप लोगों को यहाँ पे जो है क्या है वो अभी आप लोगों को यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जितना अभी आपने किया है इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ताकि पता लग जाएगा आप लोगों को समझ आया है कि नहीं आया है। उसके बाद मैं आपके साथ थोड़े से और एडवांस रूल जो है मैं डिफ्रेंसीशन के क्या करूँगी, डेरिवेटिव के जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इकोनॉमिक्स में आप इसको किस तरीके से रूल यूज़ कर सकते हो ये बहुत मैटर करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे आप लोगों को टोटल कॉस्ट दे रखी है q² + 9q। ओके, तो जब भी ये आपको इकोनॉमिक्स में कहता है कि मुझे इसका MC निकाल के दो, MC का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पे आपको इसके साथ करना पड़ता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है आप यहाँ पे करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे q² + 9q का आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं, q² का डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल कैसे लगेगा, पहले पावर आगे आ गई, फिर q की पावर जो है 1 से यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आया, ये आप लोगों का 2q जो है आप लोगों का निकल कर आ गया। उसके बाद 9q का डेरिवेटिव वो भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, वो भी आप लोगों ने q के रिस्पेक्ट में ही जो है आप लोगों ने यहाँ पे इसको करना जो है क्या है आपने यहाँ पे इसको करना होता है। ओके, जैसे ही आप इसको करेंगे, 9q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे 1 ही नज़र आएगा, तो ये आपका 9 ही आ गया, सिंपल। ओके, अच्छा ये इस तरीके से आप इसके एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकालना, ठीक है, या फिर टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना, टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, इन सब तरीकों से हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा माइट भी पॉसिबल, क्योंकि आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का तो सिलेबस है ही है, तो अगर वो आपको सेकंड डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर करने को कहे, तो आप लोगों ने यहाँ पे कैसे करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर देना, यानी कि 2q + 9 का ही आपको क्या करना है, एक और बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अब जो आप लोगों का 2q है, 2q कैसा हो जाएगा जी, 2q हो जाएगा आप लोगों का, q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ओके, और 9 एक कांस्टेंट है। तो ये जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव जब आप यहाँ पे इसका चेंज करेंगे, तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, ये जो है आप लोगों को यहाँ पे ये 2 ही आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, राइट। सो गाइज, इस तरीके से आप लोग, हाय इंद्रजीत मैम, मैंने आज आपको पुरानी वीडियो का 10 सेशन देखी, बहुत अच्छे थे सारे वीडियो, आप उस टाइम शायद अच्छा छोटे थे, अच्छा जी। हेलो मनीष, हाय इंद्रजीत, ओके। सो गाइज, इस तरीके से आप उसको क्या करते हैं, इस तरीके से आप जो एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की, उसको आप लोग क्या कर पाते हैं, उसको आप लोग यूज़ कर पाते हैं, जब भी आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, जब भी आपको इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे क्या है इसके अंदर करनी होती है। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको रुकिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करें, और फिर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद जो है हम लोग अपना आगे जो है क्या है इसके अंदर हम बढ़ेंगे। ओके, सो गाइस हियर वी हैव मूव टूवर्ड्स, ये है हमारी एम्प्टी स्लाइड, राइट। देखिए एग्ज़ाम में जो आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से आप लोगों को नज़र आएगा, ऐसे आपसे अभी तक देखिए पेपर में उसने आपसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं पूछा, लेकिन जिस तरीके से आपको पता है कि हर जगह आप लोगों का डेरिवेटिव जो है डिफरेंशिएशन जो है वो यूज़ होता ही होता है। ठीक है, सपोज कीजिए इफ़ TC इज इक्वल टू 4q + 8, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है,
एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट दी एमसी, मार्जिनल कॉस्ट जो है आप लोगों को बताना है, एमसी आप लोगों को बताना है कि उस टाइम के ऊपर एमसी जो है वो आप लोगों का यहाँ पे कितना निकल कर आएगा. ओके सो गाइज दीज आर योर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू. जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए आप लोगों का. अगर 4Q+8 है तो जो हमारा एमसी है यानी कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो आप लोगों का कितना निकल कर आएगा. ओके आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर हियर. फटाफट से बता दीजिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है क्योंकि अभी जस्ट हमने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया है दैट इज़ दी सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट जो है क्या है मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश जो है इसको पहले मैंने करी है जी. अच्छा बाद में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा अपनी वीडियो को आप जो है क्या करना, थोड़ा सा आप अपनी वीडियो को स्टॉप करना. फिर स्टॉप करने के बाद सोचना कि व्हाट वुड बी द राइट आंसर और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे आंसर जो है आप लोगों ने वहाँ पे देना है. वेरी गुड. 4 आ रहा है आपका आंसर. एमसी आप निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 4Q, तो ये आप लोगों का 4 × 1 इस तरीके से आप इसको यहाँ पे 4 जो है आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं. ठीक है इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं. अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ. हेयर वी हैव, इसको आप रहन दीजिए, ये तो सिंपल से ही है. ठीक है इनको आप इग्नोर कीजिए. या सो गाइस हेयर आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन और इसके बारे में आप लोगों को क्या बताना है. अब इसमें थोड़ा सा ना आप लोगों की जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के ऊपर भी आप लोगों की यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है आप लोगों का डिफरेंशिएशन है उसकी भी आप लोगों की यहाँ पे प्रैक्टिस जो है क्या है यहाँ पे हो जाएगी इस तरीके के क्वेश्चन में. बस आपने ये ध्यान रखना है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने 2 बार जो है उस चीज़ का वहाँ पे क्या करना होगा, 2 बार आपने उसका डेरिवेटिव जो है आप लोग लगा लीजिए, डिफरेंशिएशन जो है वो आपको वहाँ पे उस टाइम के ऊपर करना होगा. ओके तो मैं आपको बता देती हूँ. अभी मैं आपको दे रही हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रही हूँ, राइट इसको करके दिखाइए. फिर अगला मैं आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का देती हूँ. सपोज दैट 3y − 12x + 17 = 0. फाइंड dy/dx आप लोगों को निकालना है कितना आएगा. ओके कर लीजिए जरा इसे सॉल्व कर लीजिए. अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है. देखिए डिफरेंशिएशन की दुनिया में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं किस चीज़ को कहते हैं जी आप लोग. इम्प्लिसिट फंक्शन आप उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे आप लोगों का वाई जो है वाई आप लोगों को डायरेक्ट नहीं दे रखा होता है. जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है तो इसमें वाई आपको दे नहीं रखा, आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब अंदर है वाई और उसका डेरिवेटिव करके डिफरेंशिएशन करके जो है आपको यहाँ पे ढूंढना है कि dy/dx जो है आप लोगों का यहाँ पे कितना जो है यहाँ पे वाली चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है. ठीक है करिए जरा इसका dy/dx निकालिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. निकाल लेंगे. देखिए इस तरीके को क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं. 2 तरीके आप लोगों के कौन से हैं. देखिए एक तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकती हूँ कि पहले मैं वाई को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी −17 + 12x. ठीक है फिर आप लोगों का ये जो 3 है वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके ये पूरे में डिवाइड हो जाएगा. फिर पूरे में जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड कराते हो −17/4 और ये आपका 3x. एक तो ये तरीका है इसको करने का. तो जब आप यहाँ पे dy/dx निकालेंगे −17/4 क्या आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0. ठीक है और 3x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आप लोगों का कितना आ जाना है, ये आप लोगों का 3 आ जाना है. तो इस तरीके से आप इसको जो है, ओ सॉरी 12/3 था, ये 12/3 था तो ये आपका 4 आएगा और डेरिवेटिव भी आप लोगों का कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव आप लोगों का 4 आ जाएगा. एक तो ये तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन को करने का.
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि मैं इक्वेशन का ही डिफरेंशिएशन कर दूं। इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं यार हम लोग? जैसे आपकी 3y-12x+17=0, ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इक्वेशन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? 3 × dy/dx 12x, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 12 ही आ जाएगा, ये 1 हो जाता है, 17 का डिफरेंशिएशन 0, ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 × dy/dx यहीं रहेगा, 12 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और जब आप इस 3 को उधर लेके जाके डिवाइड करेंगे तो dy/dx की जो हमारी वैल्यू आएगी, हेलो आकांक्षा वर्मा, गुड इवनिंग, 12/3 आप लोगों की कितनी आ जाएगी, 4 जो है आप लोगों को यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो गाइस, ये हम लोगों ने कौन सा टाइप किया है, ये टाइप किया है कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन देता है तो उसका आप डिफरेंशिएशन किस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से जो है वो करते हैं, ओके। सो आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर गलत दे रहे थे, ज़्यादातर जो है इसका 12 दे रहे थे, बट 12 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे 3rd जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, नज़र आता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 8-2x/5, इसका बता सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, वट वुड बी इट्स डिफरेंशिएशन 8-2x/5 ऑप्शंस दे देती हूँ मैं यहाँ पे भी आपको, कर लीजिए। अगर मैं आपसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पूछती हूँ 8-2x/5 का, तो किस तरह, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पेपर में गिवन है, तो आप यहाँ पे कितना करेंगे, कितना निकल कर आएगा, अच्छा अभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, नॉट बैड, ओके, लेट मी शो यू आंसर। सब हमारे पास आना शुरू हो गए हैं, और माइनस कोई 2/5 कह रहा है, कोई -2/5 कह रहा है। देखिए यहाँ पे 8 क्या है, 8 तो आपका कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली जो आप लोगों का चेंज करके आने वाला है, कितना आने वाला है, -2/5 ही आप लोगों को यहाँ पे आंसर जो है इसका देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कितना आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, माइनस का 2/5 ही आप लोगों को नज़र आता है, ओके। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपका लेके जा रही हूँ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर लेके जा रही हूँ। ये तो अभी आपने सिंपल फंक्शन सीखे, ठीक है। सपोज कीजिए अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो, डेरिवेटिव करना हो एक्सपोनेंशियल की पावर का, राइट, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन दिया और मैं आपको कहती हूँ कि मुझे dy/dx जो है आप कर कर बताइए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है मुझे इसका कर कर बताइए, ओके। तो बहुत ही ध्यान से रूल सुनेंगे। देखिए क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे कभी भी e की पावर दे रखी हो तो पहले तो आपने e की पावर को एज इट इज़ लिख देना है, उसको आपने छेड़ना नहीं है। इसका ये डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव का रूल है, सबसे पहले e की पावर को आपने वैसे ही लिख देना है, उसके बाद जो इसकी पावर थी ना, पावर का आप लोग करते हो डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन अगर मैं 3x+2 का डेरिवेटिव करूँगी कितना आएगा, 3 आएगा, 2 तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन जो है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू 3e 3x+2 के जो है ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यों, देखिए e^3x+2 आपका क्या है, ये आपका y है, तो इसको मैं इस तरीके से भी जो है क्या है मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आप लोगों के साथ जो है
शेयर जो है मैं यहाँ पे इस चीज़ को कर सकती हूँ, ठीक है। तो 3y करके भी आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप डेरिवेटिव करते हैं एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन का। ओके, अच्छा मान लीजिए अगर आप लोगों को बोला जाए कि लॉग में फंक्शन दिया जाए और बोला जाए आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, राइट। तो लॉग एक्स का आपने डिफरेंशिएशन कैसे करना है, डेरिवेटिव आपने कैसे करना है, डी वाई ओवर डी एक्स के लिए आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर, सीधा आपने यहाँ पे करना है जो भी लॉग के साथ चीज़ है, ठीक है, जो भी आपका लॉग के साथ यहाँ पे चाहे 3x है 2x है जितना भी है उसको आप पहले डिवाइड में ले लेंगे, और डिवाइड में लेने के बाद ऊपर आप इसी का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। फिर से आपका यहाँ पे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दैट वुड बी 1/x के इक्वल जो है आप लोगों को ये वाली चीज़ जो है नज़र आती है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलता है, किसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलता है, log x का डेरिवेटिव जो है करने के लिए बोलता है, राइट। अच्छा एक हमारे पास यार बहुत ही खास तरीके का फंक्शन होता है, इसको आप इग्नोर मारना, इसको अभी नियम कर रहे। एक खास तरीके का फंक्शन क्या होता है, देखिए ये तो आप लोगों ने कई बार सुना है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो गई, बट इफ़ अगर जो है यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, इस तरीके से ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें आपने क्या करना होता है, जब आपसे डी वाई ओवर डी एक्स वो करने को कहे, यहाँ पे आपने सबसे पहले a की पावर जो x है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, फिर एज इट इज़ लिखने के बाद जो है यहाँ पे आप a के साथ यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, a के साथ आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपना हेयर यू हैव log को आप अप्लाई करेंगे, सो दिस वुड बी इक्वल टू, ये वाली चीज़ आपके यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली चीज़ जो है आपके यहाँ पे log a के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जो इसकी पावर है, पावर का डिफरेंशिएशन, तो ये रूल है आप लोगों का, अगर कहीं आपको कोई लॉग वाला फंक्शन जो है डिफरेंशिएशन के लिए बोलता है या फिर कहता है, ठीक है। सो गाइस मैंने लॉग और ई वाला भी आप लोगों का इसी वीडियो के अंदर कवर कर दिया। नाउ इट इज़ टाइम फॉर योर फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन, ठीक है। काफ़ी कुछ मैंने आपको छोटे से सेशन में मैंने यहाँ पे करवाया, पहले हमने सिंपल डिफरेंशिएशन सीखा, फिर आपको अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करवाया है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो अभी हम लोग कर ही रहे हैं, एंड नाउ आई एम गिविंग यू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आप कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए इफ क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन टू यू, मुझे आप बताइए क्या बताइए, दिस इज योर टी सी 7x की पावर 3 5x की स्क्वायर प्लस 12, ओके। नाउ माय क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ एमसी निकालना है आपको, एट कितने के ऊपर निकालोगे, एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर। योर ऑप्शंस आर हाँ जी, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इसमें आपका ऑटोमेटिकली जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए किस तरीके से आप लोगों का जो है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे प्रैक्टिस होगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हाउ वुड यू डू दिस। मैंने आपसे यहाँ पे ये नहीं बोला कि मुझे एम सी निकाल के दो, मैंने बोला है डेरिवेटिव ऑफ एम सी निकालो। तो पहले आप जब एम सी निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और जब आप डेरिवेटिव ऑफ एम सी करेंगे तो उसी का क्या हो जाएगा, उसी का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट में आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को डालना है, कितना डालना है, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे 2 जो है आपने डाल देना है, राइट। कीजिए ज़रा इसे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अच्छा गाइस जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे लाइव आए हैं, तो यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन जिन को डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और कम टाइम में वो सीखना चाहते हैं कि डेरिवेटिव कैसे करना है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो उस चीज़ को यहाँ पे वो सीख पाएँ। ओके हाँ जी, बहुत ही बढ़िया,
क्या बात है, वेरी नाइस। देखिए इसके अंदर आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। हाउ वुड यू डू दिस थिंग, किस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको वहाँ पे जो है सॉल्व आप यहाँ पे अपना करेंगे। सबसे पहले मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया, 3 आगे आ जाएगा, दिस वुड बी 7x2, फिर 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। 12 का डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, 21x2 + 10x। अब मुझे क्योंकि एम सी का भी डेरिवेटिव चाहिए तो मैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करूँगी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 × 21x + 10, सो दिस वुड बी लाइक दिस 42x + 10। और ये चीज़ आपको कितने पे निकालनी है, ये चीज़ आपको तब निकालनी थी जब हमारी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू हमारी 2 ही थी, ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको पुट करते हैं इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे एंड दिस विल कम आउट टू बी, ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, कितना आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, दैट थिंग वुड बी इक्वल टू यहाँ पे 84 + 10 विच इज़ इक्वल टू 94, ठीक है। 94 जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा, सेकेंड ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दैट्स इट गाइज। डिफरेंशिएशन वाले सेशन में आप लोगों के लिए इतना ही था। कल एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए मैं कंडक्ट करवा रही हूँ, किस चीज़ के लिए, इंटीग्रेशन का सेशन होगा, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग ज़रूर आइएगा क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस में आपको यूज़ करना पड़ता है इंटीग्रेशन जो होता है, ओके। सो गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं अपना NTU UGC नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी करना एक सिस्टमेटिक वे में, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, PYQs आप लोगों को मिल जाते हैं 2004 से लेकर 2019 वाले, देन वी हैव रिवीजन, देन वी हैव मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्पेशल कोर्स, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमेट्रिक्स के लिए स्पेशल कोर्स, बड़ी सारी चीज़ें जो आपको मिल जाती हैं। 6 मंथ्स का सब्सक्राइब करने का फीस 1400 पर मंथ है, 12 मंथ्स का 875 पर मंथ है, और 24 मंथ्स का 700 पर मंथ है। तान्या भाटिया 1-to-1 थी, यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और पेपर वन मिल जाता है आप लोगों को मुफ्त, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि ये भी आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरीके से उन्हें लेना है। तो देखिए, आपने जाना है पहले अन अकेडमी को, आपने ओपन करना है, और जैसे ही आप अन अकेडमी को ओपन करेंगे वहाँ पर आपने मेरा नाम टाइप कर देना है, तान्या भाटिया, ओके। तो गाइज, जैसे ही आप वहाँ पे तान्या भाटिया टाइप कर देंगे इस तरीके से, आप लोगों को मेरी प्रोफाइल जो है वो दिख जाएगी, ठीक है। दिस इज़ माय प्रोफाइल, फॉलो कर लीजिएगा। यू कैन सी नंबर वन एजुकेटर इन इकोनॉमिक्स, यंगेस्ट GRF होल्डर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सत्यावती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके। ये मेरी प्रोफाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है प्लस पे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्लस पे जाके, आप यहाँ पे मेरा कोई भी कोर्स जो है उठा लीजिए। मान लीजिए जैसे मैंने ये कोर्स उठा लिया इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, 6 महीने 12 महीने 24 महीने। मान लीजिए आपने 12 महीने का डिसाइड किया, विच इज़ 963 पर मंथ, ओके। यहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड लगाएंगे, रेफरल कोड आपको मैं जूम करके ही दिखा देती हूँ, ये आपने कैपिटल लेटर में लगाना है, तान्या भाटिया 1-to-1 थी। यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर देंगे, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपकी फ़ीस जो है कम हो जाएगी 10%, पहले 963 दिखा रहा था, अब 866 हो गई, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ भी रहा है कि अप्लाई हो चुका है, फिर अप्लाई होने के बाद आपने यहाँ पे जो आपके पास क्रेडिट्स पड़े हैं वो भी अप्लाई कर दीजिए, अगर आपके अनअकैडमी के 700 क्रेडिट्स हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, आप 3 महीने का भी लगा सकते हैं, 3 महीने पे, बट EMI का ऑप्शन नहीं होगा 3 महीने का जो है, तो आप 6 महीने के लिए जाइए क्योंकि उसमें EMI भी आपको मिल जाएगी आराम से जो है, ठीक है। अगर 3 महीने का लेना है तो आपको सिर्फ कैश, मतलब जो है पेमेंट एक साथ करनी पड़ जाती है 3 महीने, तो बर्डन ज़्यादा हो जाता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। 6 महीने और 12 महीने में ऐसा नहीं होता। 700 क्रेडिट्स है और 10% डिस्काउंट जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, नज़र आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो नो कॉस्ट EMI है, डेबिट पे भी और क्रेडिट कार्ड पे भी, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। महीने का महीने आप पे कर सकते हो, और अगर 12 महीने का आप लेते हो तो आपको 780 रुपये कटेंगे पर मंथ जो है, जिसमें पेपर वन भी है और पेपर टू भी है। सो गाइज, इट इज़ रियली ग्रेट ऑप्शन, एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी काइंड ऑफ डाउट, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल मिलेगा, आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ओके।
चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।